सो दोस्तों, मैं आ चुका आप सभी के लिए एक फिर से ट्रेंडिंग डीजे स्टेटस वीडियो एडिटिंग के साथ। जो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैंने कुछ डायलॉग के साथ रेन ड्रॉप भी एड किया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही अमेजिंग और कमाल का होने वाला था। चलिए आप लोग पहले बिना देर लगाए उसका प्रोजेक्ट नज़र देख करके आ जाइए, उसके बाद सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत ईजी तरीके से काइन मास्टर की एप्लीकेशन में ले जा करके आप सभी को हम बताने वाले, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी को आज का ट्यूटोरियल वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों क्या बात आप सभी को वीडियो को आप लोग लाइक ही नहीं करते यार, वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले बिना देर लगाए उसका प्रोजेक्ट नजर देख करके आ जाइए। रुको जरा, सबर करो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों आप सभी ने अभी जो जिस वीडियो को पूरी स्टार्टिंग में देख लिया, अगर आप सब भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा एंड तक देख लेते तो आप सभी को कहीं भी कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप करते और भगा भगा कर देखते हैं तो आप सभी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आप सभी से पहले ही बोल दे रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आप सभी को पूरे स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगी, ठीक है। और दोस्तों एक बार कमेंट करके कमेंट में बता दीजिएगा कि आप सभी को आज का ट्यूटोरियल वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स, अब यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते और चलते सीधे डायरेक्ट अपने काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। तो दोस्तों आज से वीडियो को ध्यान देकर के देखिएगा और लास्ट तक देख लीजिएगा, तो सभी को पूरी कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहां से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते सीधे डायरेक्ट हम अपने काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। सो दोस्तों आप सब देख सकते हैं आ चुके हैं अपने मोबाइल के काइन मास्टर के एप्लीकेशन में। ओके, तो आप लोगों को यहां से क्रिएट न्यू पे टच करना है, उसके बाद दो नंबर में आप सब देख सकते हैं 9:16। ओके, तो आप लोगों को इस 9:16 का रेशियो लेके यहां से क्रिएट कर देना। ओके, क्रिएट कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी को करना क्या, यहाँ से इसी मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से आप सब जिसके भी इमेज और फोटो से फ्रेंड्स बनना चाहते हैं यहाँ से दोस्तों आप सभी को चार फोटो को एड करना, ठीक है। देख सकते दोस्तों यहाँ पर मैंने चार फोटो को एड कर दिया, चार फोटो एड देने के बाद अब दोस्तों आप सभी को करना क्या है, स्टार्टिंग तरफ आ जाना। ओके, आने के बाद लेयर में जाना और मीडिया में जाना है, और यहां से दोस्तों अब आप सभी को एक ऑडियो को ऐड कर लेना। ओके, तो चलो दोस्तों हम यहां से उस ऑडियो को ऐड कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को इस ऑडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। देख सकते फ्रेंड्स यहां पर मैंने उस ऑडियो को ऐड कर दिया। ऑडियो ऐड कर देने के बाद अब आप सभी को इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करते जाना है, और यहां पर आप सब देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन। ओके, तो आप लोगों को इस एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाले पर क्लिक करके ऑडियो को बाहर निकाल देना, उसके बाद यहां से इस वीडियो को डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट कर देने के बाद अब आप सभी को यहां से दोनों उंगलियों को पकड़ के जूम करना है। जूम कर देने के बाद दोस्तों अब आप सभी को फर्स्ट वाले फोटो का डोरेशन कुछ इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। बढ़ाने के बाद अब आप सभी को यहां से दोनों उंगलियों को पकड़ के इस तरीके से थोड़ा सा जूम करना है, ठीक है। जूम कर देने के बाद दोस्तों अब आप सब यहां पर देख सकते हो कुछ यहां पर हमारा बीट आ रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देकर देखिए, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आ देना, ठीक है, 5:34 पर आ देना है। उसके बाद फोटो पर टच करना है, कैंची पर टच करके दोस्तों यहाँ से ट्रिम राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले फोटो का बीट आप सब देख सकते कि यहाँ पर हमारा आ रहा है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देकर देखिए, ठीक है, 7:513 पर आ रहा है। तो आप लोग 7:513 पर इस तरीके से आ देना यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आना है। उसके बाद दोस्तों फोटो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद अगला फोटो का बीट आप सब देख सकते हैं कुछ हमारा यहाँ पर आ रहा है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देकर के देखिए, ठीक है। देख सकते दोस्तों यहाँ पर हमारा बीट आ रहा है अगला, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 9:26 पर आ रहा है। तो आप लोगों को फोटो पर टच करना है, उसके बाद कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आप सभी देख सकते हैं ये अगला बीट दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा आ रहा है, ठीक है। देख सकते 12:866 पर, तो फोटो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आप सभी को करना क्या, फिर से मीडिया में देना है, और यहाँ से दोस्तों अब आप लोग जिसके भी मेजर फोटो से बनाना चाहते हैं यहाँ से आप सभी को 9 फोटो को एड करना, ठीक है। देख सकते दोस्तों यहां पर मैं 9 फोटो को ऐड कर रहा हूं। आप लोग फ्रेंड्स जिसके भी मेजर फोटो से बनाना चाहते हैं अब आप सबको यहां पर 9 फोटो को ऐड कर देना, ठीक है। देख सकते दोस्तों यहाँ पर मैंने 9 फोटो को ऐड कर दिया। 9 फोटो ऐड कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी को यहाँ से करना क्या है, फिर से दोनों उंगलियों को पकड़ के जूम करना है। उसके बाद दोस्तों आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बीट हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 13:420 पर। तो फोटो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देंगे। फिर से आप सभी देख सकते कि अगला बीट हमारा कुछ यहाँ पर है, 13:969 पर। तो फोटो पर टच करके कट लगाएंगे। उसके बाद फिर से आप सभी देख सकते कि अगला बीट हमारा कुछ 14:521 पर है, तो फोटो पर टच करके कट लगाएंगे। फिर से आप सभी देख सकते कि अगला बीट 15:079 पर है, तो फोटो पर टच करके कट लगाएंगे।
लगाएंगे। फिर से आप सभी देख सकते हैं कि अगला बीट हमारा कुछ 15.635 सेकंड पर है, तो फोटो पर टच करके ट्रिम राइट कर देंगे। फिर से आप सभी देख सकते हैं कि अगला बीट हमारा कुछ यहाँ पर है, ठीक है, 16.180 सेकंड पर, तो फोटो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से आप सभी देख सकते हैं कि अगला बीट हमारा यहाँ पर है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए, ठीक है, बहुत छोटा बीट है यहाँ पर, ओके, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कुछ बीट है 16.470 सेकंड पर, तो फोटो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पर करना क्या होगा, सिंपल कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर से आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बीट आ रहा है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देकर के देखें, ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एक बीट हमारा यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सभी आगे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमारा बीट यहाँ पर है, ठीक है, इस तरीके से 18.155 सेकंड पर, तो फोटो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आप सब देख सकते हैं फिर से अगला बीट हमारा कुछ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर ध्यान देकर के देखें, ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पर बीट है 19.117 सेकंड पर, तो फोटो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पर करना क्या होगा, सिंपली सा फिर से आप सभी को मीडिया में देना, और यहाँ से दोस्तों आप सभी को फिर से दो फोटो को यहाँ पर और ऐड करना, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम यहाँ से दो फोटो को ऐड कर ले, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दो फोटो को ऐड कर दिया। दो फोटो ऐड कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पर करना क्या होगा, सिंपली सा अब आप सभी को यहाँ पर बीट के हिसाब से फोटो को कट आउट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, मैं आप सभी को एक बार वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ कि कहाँ पर हमारा बीट आ रहा है, ओके। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ बीट आ रहा है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर के वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कुछ बीट आ रहा था। आप लोगों को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से इसको फोटो को खींच करके आप लोगों को यहाँ पर इसको लगाना, ठीक है, इतने तक इसको लगाना, ठीक है, यहाँ तक आप सभी को लगा देना। उसके बाद अब दोस्तों आप सभी को करना कि इस फोटो का, आप लोग एक फोटो यहाँ पर ज़्यादा हो चुका था, तो आप लोग इस फोटो को यहाँ से डिलीट कर देना, ओके। डिलीट कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी को करना क्या, सिंपल फिर से आप लोगों को मीडिया में देना, और यहाँ से दोस्तों आप सभी को राउंड वाले वीडियो को एड करना होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से राउंड वाले वीडियो को एड कर देते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को इस तरीके का राउंड वाला वीडियो अगर अपने फोटो के साथ बनाने नहीं आ रहा, तो दोस्तों हम इस पर वीडियो पहले बनाकर उस वीडियो का लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, आप सब उस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों यहां से मैंने सराउंड वाले वीडियो को एड कर दिया। एड कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी को करना क्या, समझो कुछ इस तरीके से आप सब देख सकते हैं यहां पर हमारा कुछ राउंड वाला वीडियो छोटा हो चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को फिर से मीडिया में देना, और यहां से दोस्तों आप लोगों को फिर से एक और राउंड वाले वीडियो को एड करना होगा, ठीक है। देख सकते हैं यहां पर मैंने फिर से एक और राउंड वाले वीडियो को एड कर दिया। एड कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को इस राउंड वाले वीडियो का करके कट लगाना, ठीक है, 24.998 सेकंड पर आकर राउंड वाले वीडियो पर टच करके कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सही तरीके से आप लोग यहाँ पर कट लगाना, ओके। उसके बाद आप सभी को सेटिंग पर जाना है, एडिटिंग में देना है, और यहाँ से आप सभी को फोटो ड्रोशन को घटा करके 0.6 पे इस तरीके से रख देना, ठीक है। उसके बाद कट करके बैक आना, बैक आने के बाद मीडिया में देना है, और यहाँ से दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा, अब आप सभी को 11 फोटो को एड करना, जिसके भी मेजर फोटो से बनाना चाहता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं जो 11 फोटोज को एड कर रहा हूँ, आप लोग फ्रेंड्स जिसके भी मेजर फोटो से फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, यहाँ से आप सभी को 11 फोटो को एड कर देना, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने 11 फोटोज को एड कर दिया। 11 फोटो एड कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पर करना क्या, समझा कुछ इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आ देना है 25.538 सेकंड पर, फोटो पटा सके कैंची पटा सके ट्रिम राइट कर देना है। फिर से आप सभी को थोड़ा सा आगे आ जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को फोटो को कटआउट करना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा बीट आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग बीट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को इसको कम कर देना है फोटो का, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी करना होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को ध्यान देकर के आप सभी देखते रहे, अगर आप सभी वीडियो को वॉच नहीं करते हैं, अगर आप लोग छोड़कर चले जाते तो आप सभी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिस तरीके से फोटो को कटआउट कर रहा हूँ, आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी फोटो को कटआउट करना होगा, ठीक है। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कर दिया। कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पर करना क्या होगा, कुछ इस तरीके से आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में फिर से अब आप लोगों को आ जाना, ओके। आने के बाद दोस्तों अब आप सभी यहाँ पर फोटो का कटआउट करने के काम जो है एंड हो चुका है, ठीक है। तो अब आप सभी को यहाँ पर देखिए चौथा फोटो हमारा आ रहा है, चौथे वाले फोटो पर आप लोगों को आ जाना है, लेयर में जाना और मीडिया में जाना, और यहाँ से दोस्तों आप सभी को करना क्या होगा, एक इफेक्ट वीडियो को यहाँ पर एड करना। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके के वीडियो यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों यहाँ से मैंने इसी वीडियो को यहाँ पर एड कर दिया। एड कर देने के बाद अब दोस्तों आप सभी को करना क्या होगा, समझ कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि आप सभी को ये कुछ छोटा हो चुका था, आप लोगों को सिंपल सा इस तरीके से ऊपर देना है, स्पीड में जाकर के दोस्तों आप सभी को स्पीड को थोड़ा सा इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सभी को बैक आना है, उसके बाद नीचे जाना है यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में, व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना, उसके बाद बैक जाना है, और नीचे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग क्रोमा की का ऑप्शन, ठीक है। इस क्रोमा की में जा करके इसको इनेबल कर देना, ठीक है, और थोड़ा सा आप सब इस तरीके से एडजस्ट आप लोग इसको कर देना। उसके बाद बैक आना, बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये कुछ ज़्यादा ड्यूरेशन हो चुका है, तो आप लोग इस इफेक्ट वाले वीडियो को थोड़ा सा ड्यूरेशन आप लोग को कम कर देना, ठीक है। कम कर देने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी को इसी फोटो पर टच करना है, थ्री रोड पर क्लिक करके डुप्लीकेट इस लेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिएगा, उसके बाद थ्री रोड पर क्लिक करके सेंड टू बैक में कर देना। कर देने के बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इफेक्ट आ चुका है, ठीक है। आने के बाद दोस्तों अब आप सभी को करना क्या होगा, कुछ
इसी तरीके से फिर से आप सभी को यहाँ पर आ जाना, ठीक है, 19.118 सेकंड पर आ जाना है। आने के बाद लेयर में जाना और मीडिया में जाना, और यहाँ से दोस्तों अब आप सभी को करना क्या, मतलब फिर से आप सभी को एक और इफेक्ट वाले वीडियो को एड करना, ठीक है। चलो दोस्तों हम यहाँ से उस इफेक्ट वाले वीडियो को एड कर देते हैं। दोस्तों आप सभी को इस इफेक्ट वाले वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के सब आसानी से डाउनलोड कर सकते, ठीक है। तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं इस इफेक्ट वाले वीडियो को एड कर देता हूँ। दोस्तों मैंने आप सभी को बता दिया कि इस इफेक्ट वाले वीडियो का भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के दोस्तों आप सब आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को थोड़ा सा ध्यान देकर के देखते रहते हैं। देखते फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस इफेक्ट वाले वीडियो को एड कर देने के बाद नीचे जाना, यहाँ पर आप सभी को स्पीड स्क्रीन में व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में कर देना है। उसके बाद बैक जाना, नीचे जाना, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं स्पीड का ऑप्शन, स्पीड में जाकर के थोड़ा सा आप सभी को इसको कम कर देना, ठीक है। यहाँ से कम करके यहाँ पर इसको लगाना है। उसके बाद बैक जाना है, नीचे जाना, यहाँ पर क्रोमा की में जाने के बाद दोस्तों इसको इनेबल करके यहाँ से की कलर में जाकर दोस्तों यहाँ से आप सभी को रेड को सेलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद डन कर देना, डन कर देने के बाद थोड़ा सा आप सभी को इसको एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों आप सभी को इसको खींच करके यहाँ पर दोस्तों आप सबको इसको डोसन थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। कम कर देने के बाद इस फोटो पर टच करना है, थ्री पर क्लिक करके उसको डुप्लीकेट लेयर कर देना है। उसके बाद फिर से थ्री पर क्लिक करके उसको सेंड टू बैक में कर देना है, ठीक है। उसको थोड़ा सा आगे आएगा तो आप सभी को इसको जूम थोड़ा सा इस तरीके का आप सब अपने हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पर काम रहेगा सभी फोटोज में क्लिप ग्राफिक्स को एड करना, ठीक है। तो पहले वाले इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, और यहाँ पर दोस्तों आप सब देख सकते हैं एक क्लिप ग्राफिक स्वीट लाइज, ओके, स्वीट लाइज में जाकर के 4 नंबर को लगाना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको इस तरीके से यहाँ पर कम कर दीजिएगा। उसके बाद जो सेकेंड फोटो आ रहा है, सेकेंड फोटो पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, और यहाँ पर दोस्तों अब आप सब देख सकते हैं एक क्लिप ग्राफिक गुड वाइब्स, ठीक है। इस गुड वाइब्स में जाकर के 3 नंबर को लगाना, फिर से आप सभी को तीसरा फोटो पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना, फिर से आप सभी को गुड वाइब्स में जाकर 3 नंबर को लगाना। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप सभी इफेक्ट वाले वीडियो जो एड किया था उसको छोड़कर आप सभी थोड़ा सा आगे आ जाइए, और यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो फोटो है उस फोटो पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना, और यहाँ पर दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं इन एनिमेशन का क्लिप ग्राफिक, ओके, इस इन एनिमेशन में जाकर के दोस्तों अब आप सभी को यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 38, ठीक है, यानी कि 38 नंबर वाले को लगाना। फिर से आप सभी को अगला इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना, फिर से आप सभी को इन एनिमेशन में जाकर के यहाँ से दोस्तों अब आप सभी को फिर से यहाँ से आप सभी को 38 नंबर वाले को क्लिप ग्राफिक्स को लगाना, ठीक है। देख सकते दोस्तों यहाँ पर मैं जिस तरीके से एड कर रहा हूँ आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर भी एड करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को ध्यान देकर के अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी वीडियो को स्किप कर दीजिएगा तो आप सभी को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, दोस्तों आप सभी को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों आप सभी वीडियो को ध्यान देकर के देखते रहिए और एंड तक देखते रहिए, ठीक है। देख सकते यहाँ पर मैं कुछ फोटो में जो यहाँ पर 7 फोटो था, इन 7 फोटो में मैं जो इन एनिमेशन में जाकर के 38 नंबर वाले को क्लिप ग्राफिक्स को एड कर दिया हूँ। आप सभी को भी कुछ इसी तरीके से इन एनिमेशन में जाकर के 38 नंबर वाले को क्लिप ग्राफिक्स जो है एड कर देना, ठीक है। उसके बाद बाकी फोटोज में कौन सा क्लिप ग्राफिक्स को एड करना है तो आप सभी वीडियो को ध्यान देकर के देखते रहे, ठीक है। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं जो 16.471 सेकंड पर जो फोटो आ रहा है उस फोटो पर टच करना है। उसके बाद क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाने के बाद यहाँ पर आप सभी को गुड वाइब्स में जाकर के 3 नंबर को लगाना है। फिर से आप सभी को अगला फोटो पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, फिर से आप सभी को गुड वाइब्स में जाकर के 3 नंबर को लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो देखते इफेक्ट वाली वीडियो एड किया था इसको छोड़ करके थोड़ा सा आगे आएगा तो आप सबको 2 राउंड वाले वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी को इन दोनों राउंड वाले वीडियो को छोड़ करके जो लास्ट में इमेज आ रहा है 25.01 सेकंड उस इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है। अब आप सभी को यहाँ पर देख सकते हैं एक क्लिप ग्राफिक्स हालोवीन पार्टी, ठीक है, इस हालोवीन में जाकर दोस्तों 10 नंबर को लगाना है। फिर से आप सभी को अगला इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, फिर से आप सभी को हालोवीन में जाकर के दोस्तों यहाँ से 10 नंबर को लगाना है। फिर से आप सभी को अगला इमेज पर टच करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, फिर से आप सभी को हालोवीन में जाकर 10 नंबर को लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप सभी को लास्ट में जितना जो इमेज बचा है सभी इमेजों पर आप सभी को करना क्या होगा, से हालोवीन पार्टी में जाकर 10 नंबर वाले को क्लिप ग्राफिक्स को एड कर देना होगा, ठीक है। देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिस तरीके से एड कर रहा हूँ आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके से एड करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितना भी क्लिप ग्राफिक्स को बताया जैसे कि स्वीट लाइज और गुड वाइब्स और हॉलोवीन पार्टीशन का क्लिप ग्राफिक, अगर आप सभी के मोबाइल के काइन मास्टर में अवेलेबल नहीं है, अगर आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं सभी क्लिप ग्राफिक अपने मोबाइल के काइन मास्टर में, तो आप सभी को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप सभी उस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से सभी क्लिप ग्राफिक अपने मोबाइल के काइन मास्टर में एड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों यहाँ से मैं सभी फोटोज जो लास्ट में जितना बचा सभी में जो पे मैं हॉलोवीन पार्टीशन में जाकर 10 नंबर वाले को क्लिप ग्राफिक्स को एड कर दे रहा हूँ। आप सभी को भी कुछ उसी तरीके से एड कर देना होगा, ठीक है। देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो है कर दिया, कर देने के बाद अब सभी को करना क्या होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना, ठीक है। आने के बाद अब आप सभी को लेयर में जाना और मीडिया में जाना, और यहां से दोस्तों आप सभी को रेन वाले वीडियो को एड करना, ठीक है, जो आने की वर्षा का जैसे बरस रहा है उस वीडियो का आप सभी को यहां पर एड करना, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम यहां से उस वीडियो को एड कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप सभी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। देखते फ्रेंड्स यहां पर मैं जो है कुछ इस तरीके की वीडियो आप देख सकते हैं इसको मैं यहां से एड कर दे, एड करने के बाद अब आप सभी को करना क्या, मतलब कुछ इस तरीके से आप सभी को इस तरीके से थोड़ा सा आप सभी को जूम करना है, ठीक है। जूम करने के बाद आप सभी को यहाँ से थोड़ा सा आप सभी को बहुत दूम को जूम कर देना, ठीक है। जूम करने के बाद यहाँ पर इसको लगा देना, लगा देने के बाद सबको नीचे देना है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते आप सभी मिक्सर का ऑप्शन, मिक्सर में जाकर सबसे पहले साउंड को ऑफ कर देना, ठीक है।
उसके बाद बैक आना है, नीचे जाना है यहाँ पर ब्लेंडिंग में, और ब्लेंडिंग में जाने के बाद दोस्तों इसको स्क्रीन करना है, ठीक है। स्क्रीन कर देने के बाद आप सबको बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों आप सभी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर आ जाए, ठीक है। इस फोटो को आप सबको लास्ट में याद आना है, जहाँ से दोस्तों रन वाले वीडियो आ रहा है कि 22.654 सेकंड, वहाँ पर आ जाना है। आप सभी को रन वाले वीडियो पर टच करना है, कैंची पर टच करके ट्रिम राइट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप सबको फिर से वीडियो को स्टार्टिंग में आ जाना है, आने के बाद आप सबको लेयर में जाना और मीडिया में जाना, और यहाँ से दोस्तों अब आप सबको फिर से आप सबको एक वाटर ड्रॉप वाले वीडियो को एड करना होगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों हम यहाँ से उस वाटर ड्रॉप वाले वीडियो को एड कर देते हैं। दोस्तों आप सबको इस वाटर ड्रॉप वाले वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप सब आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से मैंने इस वाटर ड्रॉप वाले वीडियो को भी एड कर दिया हूँ। एड कर देने के बाद आप सबको नीचे जाने यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में व्हाइट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फुल स्क्रीन में करना है। उसके बाद नीचे जाने यहाँ पर ब्लेंडिंग में, ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देना, ठीक है। स्क्रीन कर देने के बाद आप सबको बैक आना है, बैक आने के बाद दोस्तों आप सबको करना क्या, इस वाटर ड्रॉप वाले वीडियो को यहाँ पर लास्ट में आप सभी को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आना, ठीक है। देख सकते हैं इस जहाँ से राउंड वाले वीडियो हमारा वहाँ पर आ जाना है, उसको वाटर ड्रॉप वाले वीडियो पर टच करना है, कैसे पर टच करके अब दोस्तों यहाँ से आप सबको स्पीड करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप सबको जहाँ से जो सेकंड राउंड वाले वीडियो जो एंड हो रहा है, आप लोगों को उस पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद वाटर ड्रॉप वाले वीडियो पर टच करना है, कैसे पर टच करके ट्रिम लेफ्ट कर देना, ठीक है। लेफ्ट कर देने के बाद आप सभी वीडियो बनकर हो जाएगा। तो होप करता हूँ आप सभी को आज का टोटल वीडियो बहुत ही अमेजिंग और पसंद लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर जो जो भाई न्यू विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके अल्प सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों इसी तरह का वीडियो जब भी कोई अपलोड डालेंगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सभी के मोबाइल में पहुंचेगा। तो चलो दोस्तों मैं आप सभी को इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूं कि किस तरीके का बना है। रुको जरा, सबर करो। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी। तो दोस्तों देख सकते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग का लग रहा है। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करने के लिए एरो पर टच करके यहाँ से जो भी रोशन में सेव करना चाह रहे हैं आप सभी सेव कर लीजिएगा। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कुछ इसी तरह का एक अगले इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग डिजिटल स्टेटस वीडियो एडिटिंग के साथ।